हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निक। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई क्लिप ग्राफिक्स ऑन आवर वीडियो एंड इमेज फाइल्स। तो क्लिप ग्राफिक्स हम हमारे इमेज फाइल और वीडियो फाइल पे कैसे अप्लाई करेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स हमें कौन कौन से मिलते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीडिया में जाके कुछ वीडियो फाइल्स यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो फाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ राइट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो है क्लिप ग्राफिक्स। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लेयर में जाके मीडिया में जाओगे और सपोज कोई वीडियो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करोगे और इसके ऊपर आपने क्लिक किया, तो यहाँ आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एक बात याद रखिए कि क्लिप ग्राफिक्स आप सिर्फ उस वीडियो और इमेज फाइल पे लगा सकते हो जो आपने मीडिया से इंपोर्ट किया है। तो इसे तो लेयर को हम अभी हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसका कोई अभी यूज़ है नहीं। तो जैसे आप इस वीडियो फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे यहाँ आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको कुछ यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज इन एनिमेशन, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ अलग अलग 20-25 बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें से सपोज मैं ये चूज़ कर लेता हूँ तो वो इस वीडियो फाइल पे अप्लाई हो गया। अभी इस फाइल को हम प्ले करके देखेंगे। तो ये देखिए, आफ्टर अप्लाइंग क्लिप ग्राफिक्स इस तरह से हमारा फाइल प्ले हो जाएगा। फिर से हमने सिलेक्ट कर लिया, क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर चले गए, कोई दूसरा गुड वाइब्स इसमें से ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसे हम प्ले करके देखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा वीडियो फाइल प्ले होगा। इस तरह से ग्राफिक्स हमने इस वीडियो के ऊपर ऐड किया है। कुछ और इफेक्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। क्लिप ग्राफिक्स सेंटिमेंटल, इसमें गए, ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ऐड करेंगे हेलो एचपी हेलो, ओके। तो देखते हैं इसे प्ले करके हेलो। तो ये इस तरह से प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा ओरिजिनल क्लिप विजिबल नहीं हो रहा। तो कुछ दूसरा क्लिप ग्राफिक्स यहाँ पे देख लेते हैं, ओवरऑल एनिमेशन ये। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये इस तरह से प्ले हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अगर क्लिप ग्राफिक्स में जाते हो तो यहाँ ऊपर आपको एक हट का सिंबल दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इस हट के ऊपर, तो आप काइन मास्टर स्टोर में चले जाओगे, जहाँ ऊपर क्लिप ग्राफिक्स में आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे एनिमेशन, सेलिब्रेशन, सिनेमैटिक, इंट्रो, मॉडर्न, प्रमोशनल, बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेंगे जो आप अपनी वीडियो फाइल्स पे अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ मैं सिनेमैटिक में गया तो ये ओल्ड फिल्म फ्रेम, इसे मुझे अप्लाई करना है, तो मैं इसमें चला जाऊँगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो शायद अभी मैं वाइट फोटो फ्रेम ले लेता हूँ। तो इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, 2-3 सेकेंड्स में ये डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे ही इसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, हम देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। हम बैक जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे और ऊपर कहाँ पे आया, ये देखिए वाइट फोटो फ्रेम, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। जैसे आप किसी एक के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए
इसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसे प्ले करके करके देखते हैं। इस तरह से हमारा फाइल यहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे आप क्लिप ग्राफिक्स यूज़ करके आपका वीडियो फाइल प्ले कर सकते हो। इसके लिए आपको काइन मास्टर का पेड वर्जन लेना पड़ेगा, जो बहुत ही सस्ता आता है 300-350 रुपये में, और ये वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फिल्मोरा वंडरशेयर और एडोब प्रीमियर प्रो, इसके साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। उस लेवल का ग्राफिक्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेगा। यहाँ हट के ऊपर आप जाओगे तो बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ माय फोल्डर है, इसको क्लिक करो तो जो जो क्लिप ग्राफिक्स आपने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो यहाँ से आप रिमूव में जाके उसे निकाल भी सकते हो। तो अभी हम बैक जाएंगे। तो अभी तक हमने वीडियो फाइल के ऊपर क्लिप ग्राफिक्स का इफ़ेक्ट देखा, तो अभी हम इमेज फाइल के ऊपर इसे अप्लाई करके देखेंगे। इसे डिलीट करते हैं और मीडिया में जाके कोई इमेज फाइल यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारी ड्रोन की फाइल है। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। इसका ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, 6 सेकेंड तक इसे लेके जाएंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सिमिलरली हमें क्लिप ग्राफिक्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। सेम इफ़ेक्ट्स हम यहाँ इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। ये रेड पॉइंट है, ये इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ये देखिए। तो इसे हम इस इमेज को अभी हम प्ले करेंगे। तो इस तरह का इफ़ेक्ट हम इमेज फाइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़े इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज़ अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इन एनिमेशन में ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इसे अभी हम प्ले करके देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा इमेज फाइल प्ले हो जाएगा। थोड़ा मोशन इसमें आ गया है, तो यूज़र का इंट्रैक्शन भी हमारे वीडियो के साथ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वीडियो और इमेज फाइल पे आप क्लिप ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो। इमेज फाइल पे भी यह हट का सिंबल आएगा, जिसमें जाके आप हंड्रेड्स ऑफ क्लिप ग्राफिक्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो और इमेज के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था क्लिप ग्राफिक्स, जो हमने वीडियो और इमेज फाइल के ऊपर अप्लाई किया और उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हमने देख लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।